सब्सक्राइब करें मोरा जी लाइव पेज को और साथ में आए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे पाए नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो देखने के लिए और हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मेरे सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य जी लाइव टच। तो दोस्तों, आज फिर से नए इस नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ उपलब्ध हुआ हूं। तो दोस्तों, आज जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैं FAQ का रीडिंग कर रहा था और आप लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था और उसके बारे में आप लोगों को सभी जानकारियाँ दे रहा था। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसका फाइनल चैप्टर क्लोज करूँगा, जिसमें आप लोगों जो कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज मैं फाइनल करके पूरा फाइनल कर दूँगा। जी, और बहुत से दोस्तों कमेंट्स भी आया हुआ है और उस कमेंट्स का भी आंसर भी देना है, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को टाइम न लेते हुए थोड़ा सा अपने टॉपिक भी चलता हूँ। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पहली बार, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अब हमारे चैनल पर आप लोगों को टेक्निकल से जुड़े हुए वीडियो डेली मिलने लगी है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं YouTube चैनल कैसे बना। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को YouTube चैनल बनाना सिखाया है और YouTube चैनल को मोनेटाइज करना सिखाया। दोस्तों, जिन दोस्तों ने इस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज़ जाकर के इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और इस वीडियो में मैंने जो जो सी टॉपिक्स बताए हैं उसको आप लोग अप्लाई करेगा तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा जल्दी से जल्द। गारंटी, मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ आपका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अपने टॉपिक चलता हूँ। और दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को यानी जो कमेंट्स आए हैं उनको रीडिंग करूंगा और उनका एक्सप्लेन करूंगा, तो दोस्तों उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिन पर मैं एक एक वीडियो ही बना पाऊँ, कि उसमें आप बहुत लोगों को दिखाना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा। इसे दोस्तों मैं उसका वीडियो जो है मैं बाद बनाऊँगा, पहले मैं इसका फाइनल कर दूँ। तो चलिए दोस्त, चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग यहीं पर छोड़ कर गया था, बहुत बता था कि यहाँ पर आप लोगों को मैं इसका आंसर जो यहाँ पर देखिए, वो 19 दावे संबंधी आवेदन फार्म में मुझे कौन कौन सी जानकारी प्रस्तुत करनी है। तो दोस्तों, मैंने इसका बोला था कि इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर इसका आंसर है, आपको अपना नाम ठीक वैसा ही डालना होगा जैसा PSL के प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ हो। दावे की रकम रुपयों में का उल्लेख करना होगा। अपना नाम ठीक वैसा ही डालना होगा जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो। पैन कार्ड नंबर डालना होगा, अपनी बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और IFSC कोड भी डालना होगा। दोस्तों, आप लोगों ने यही कमेंट्स पिछले कमेंट्स में यानी कि पिछले वीडियो में यही कमेंट्स आया हुआ था कि सर, हमारे पैन कार्ड में दूसरा नाम है और हम जो बॉन्ड है उसमें दूसरा नाम है, तो दोस्तों वहाँ तो सर वहाँ पर मैं कैसे क्या करूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी बताया कि जो नाम आपके जिस डॉक्यूमेंट पर जो हो और जहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट का नाम बोला जाए आप वहाँ पर वही नाम डालिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपका वही है, उस आंसर का जो क्वेश्चन आपने किया था उसका आंसर यहाँ पर कंपनी ने दिया है। तो चलिए दोस्त, अगला पढ़ता हूँ, मुझे कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया, कंपनी ने बताया है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं कि मुझे कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे, कौन कौन से दस्तावेज आवेदन करने के लिए लेकर जाना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए, आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे, अपने पैन कार्ड की कॉपी, हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, रद्द किया हुआ चेक जिस पर आपका नाम छपा हुआ हो की कॉपी, या बैंक की कॉपी, या SEBI PSA refund.co.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार बैंक के पत्र CS लेटर हेड पर बैंकर का प्रमाण पत्र, PSL के प्रमाण पत्र की कॉपी और रसीदें यदि हो तो आप लोग, आपको इन सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। तो एक बार मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करना। देखिए, आपको सबसे पहले आपको अपना बॉन्ड, और अगर बॉन्ड के साथ आपको रसीद मिली हुई है तो रसीद, और आपका वो पैन कार्ड, और हाल ही में यानी कि खिंचाई हुई फ़ोटो, और बैंक द्वारा या भी आपका बैंक का फ़ोटो कापी बैंक से, या भी बैंक की जो कापी है उसका फ्रंट पेज का फ़ोटो कापी करा लीजिएगा, उससे भी काम आपका हो जाएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है,
यदि मैंने अपना दावा संबंधी आवेदन फार्म पूरी तरह से ना भरा हो, क्या तब भी मैं वहाँ से बाहर निकल या एग्जिट कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप लॉगआउट के बटन पर क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी सेव हो जाएगी। आप बाद में लॉग इन करके अपने दावे संबंधी आवेदन को पूरी तरह से भर कर प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कपो कहीं जाना हुआ या फिर कोई बात आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको बंद करके किसी वो काम को फाइनल कर लूँ, तो उसके बाद मैं इसको फाइनल करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप वहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेगा, जैसे ही वह सेव हो जाएगा, जो आपका जो फ्रंट पेज है वो पूरा का सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जाने के लिए बोला गया, तो नेक्स्ट ना भर करके आप वहाँ से बंद करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद लॉगआउट पर क्लिक करेगा, पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। तो आकर के फिर लॉग इन करके फिर से वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज किस फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे? दस्तावेजों को PDF, JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का आकार, प्रकार, खाका आदि स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिकेशन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज कलर स्केल पर होने चाहिए, उनका DPI 200 होना चाहिए और वे वर्चुअली एलिजेंट होने चाहिए। मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो गया है? बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर हमारा आवेदन पूर्ण हुआ या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वेब प्लेटफॉर्म पर प्रीव्यू स्क्रीन खुल जाएगी, जिसमें आपको आपके द्वारा डाली गई जानकारी की पुष्टि करनी होगी। जब आप डाली गई जानकारी की पुष्टि कर देंगे, तब उसके बाद आप आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाएगा और फिर एक एक्नॉलेजमेंट रसीद नंबर ARN उत्पन्न होगा। भविष्य में इस संबंध में आप जब कभी भी संपर्क करें, तब तब आप PSL के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ यह नंबर भी अवश्य बताएं। अगले क्वेश्चन है, मैंने जो जानकारी सेव कर ली है, क्या मैं वह जानकारी वहां से हटा सकता हूं या उसमें कोई बदलाव आदि कर सकता हूं? तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने कहा है सर हमारा नाम गलत हो गया है, ये गलत हो गया, वो गलतियाँ हो गया है, न जाने कौन कौन सी गलतियाँ हुई। तो क्यों तो वह पूछते हैं कि क्या मैं सर को अपडेट कर सकता हूँ? तो जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम है, तो वो भी सभी दोस्त ये जान लें, जब तक आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर देते, तब तक आप डाली गई जानकारी में कभी भी किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं। हालांकि एक बार जब आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने सीधा बताया कि आप जब तक आवेदन फाइनल सबमिट पर बटन पर निकलेंगे, तब तक आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा कि आप कंपनी के पास अपने डॉक्यूमेंट एंड सब कुछ भेजने के बाद अपना चंजन कैसे करवा सकते हैं। ठीक दोस्त, तो आगे चलिए, आप देखते हूँ, यदि मैं अपना पासवर्ड भूल जाऊँ तो मुझे क्या करना होगा? आप इस वेबसाइट पर दिए हुए फॉरगेट पासवर्ड के विकल्प पर क्लिक करें, PSL का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और OTP उत्पन्न करने के विकल्प जनरेट OTP पर क्लिक करें। फिर वह OTP डालें जो आपके मोबाइल पर आया हो और फिर सबमिट OTP के बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप सही OTP डाल देंगे, तब आपके सामने एंटर पासवर्ड की स्क्रीन खुल जाएगी, जहां आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो इसके माध्यम से आप अपना पासवर्ड सही कर सकते हैं, आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। यदि मेरे पास पैन कार्ड ना हो तो मैं क्या करूं? बहुत से दोस्तों का भी ये सवाल उठता है और बोलते हैं कमेंट करके। तो बहुत जहाँ तक कि मेरा मानना है कि बहुत से दोस्तों का पैन कार्ड बन चुका है, लेकिन कुछ ही दोस्तों का भी पैन कार्ड नहीं बना हुआ है और वे कमेंट करके पूछते हैं, बोलते हैं कि मैंने पैन कार्ड बनवाया लेकिन अभी तक बनकर नहीं आया, तो ऐसे में क्या करें?
दोस्तों मैंने आपको यहाँ देखिए क्या होता है, आपको पहले पैन कार्ड बनवाना होगा, उसके बाद ही आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कंपनी ने बता दिया कि पैन कार्ड के अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते, पैन कार्ड आपको लगाना अनिवार्य है। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं लगा सकते या ना आवेदन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, मैं पैन कार्ड कैसे बनवाऊँ, पैन कार्ड कैसे बनवाना है इससे संबंधित जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पर जाइएगा, यहां इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर पैन कार्ड कैसे बनवाना है इससे संबंधित जानकारी के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप पैन कार्ड कैसे घर बैठे बनवा, अगर आप घर बैठे पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों को कमेंट अगला आप लोग करते हैं कि सर मुझे बता दीजिए कि पैन कार्ड कैसे बनाना है, तो आप लोगों को मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप पैन कार्ड घर बैठे बना सकते हैं और वो भी एक हफ्ते के अंदर आपके पास घर पर पहुंच जाएगा। मैंने खुद अपना पैन कार्ड अप्लाई किया है और एक हफ्ते के अंदर ही हमारा पैन कार्ड हमारे घर के पास हमारे पास पहुँच गया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आप लोग भी पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर यदि मेरे पास ऐसा कोई बैंक खाता ना हो जिसमें मैं प्रथम खाता धारक हूँ तो ऐसे में क्या करो, आप उस बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें आप संयुक्त खाता धारक ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हों। आपको दावे संबंधी आवेदन के साथ साथ रद्द किए हुए चेक जिस पर आपका नाम छपा हुआ हो की कापियाँ इस SEBI PSA refund.co.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार बैंक के पत्र शीर्ष लेटर हेड पर बैंकर का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। यदि PSL के अगला क्वेश्चन है, यदि PSL के प्रमाण पत्र के धारक की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या कोई नामने या नामती ऐसे मृतक निवेशक की ओर से दावा प्रस्तुत कर सकता है। बहुत से दोस्तों का ये कमेंट्स भी आया हुआ है। चले दोस्तों मैं इसका जो है इसको पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या है। ऐसे मामले में दावा संबंधी आवेदन उस नामनी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जिसका नाम PSL के प्रमाण पत्र लिखा हुआ हो। हालांकि नामनियों नामनी द्वारा दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख बाद में सूचित कर दी जाएगी। दोस्तों यार कमेंट खुद बताया कि आज प्रस्तुत वही लोग कर सकते हैं जिनका दावे संबंधी वही लोग कर सकते हैं जिनका आवेदन होने के लिए चल रहा है, यानी कि वे आवेदन कर सकते हैं जो प्रस्तुत हैं यानी मौजूद हैं यानी जिन दोस्तों का मृत्यु को यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है और नामनी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो नामनी जो आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अभी तारीख घोषित नहीं हुई है, जल्द ही तारीख घोषित हो जाएगी तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। तो अगला है, यदि मेरा नाम विवाह के बाद बदल गया हो तो ऐसे में क्या करूँ, नए नाम से दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने समर्थक दस्तावेजों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ की तारीख बाद में सूचित कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बहुत से दोस्तों बोलते हैं कि मेरा नाम चेंज हो गया है तो ऐसे में क्या करें, तो यहाँ पर बोला गया जिन दोस्तों नाम चेंज हो गया है तो वे लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ उन लोगों को बाद में सूचित कर दिया जाएगा कि वे लोग आवेदन कैसे करें, उनको जो नाम बदला हुआ है तो वहाँ पर वे कैसे कह सकते हैं। दोस्तों अब अगला बात आ गई है कि ये लोग प्रश्न पूछने शिकायत करने के लिए मैं कहाँ से संपर्क करूँ। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि अगर मुझसे कुछ पूछना है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं किससे संपर्क करूँ। तो दोस्त यहाँ पर इसका जो है प्रश्न आंसर है, प्रश्न पूछने शिकायत करने के लिए कृपया इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों यहाँ आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग इस नंबर को नोट कर सकते हैं 02261216966। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इस नंबर पर कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, अगर कहीं पर भी आपको अप्लाई करने में या भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को से पूछा है कि यहाँ पर पूछा है कि जिन दोस्तों को पैन कार्ड बनवाना है तो वे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि उनको पैन कार्ड घर बैठे बनाना है या फिर नहीं। तो अब बनाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही, तो क्यों ना आप लोग भी सपोर्ट कर दीजिए तो फटाक से वो वीडियो आपके तक पहुँच जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को FAQ बताया है पूरा पढ़कर, आप लोगों को मैंने तीन चैप्टर में बताया था, तीन चैप्टर में ये फाइनल चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का चल रहा है, आप लोगों को अधिक बहुत अधिक प्यार मिला है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का अधिक प्यार इस वीडियो पर भी मिले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए भी उत्साह हो जाऊँ, और फटाक से जल्दी से कोई भी वीडियो मिले या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझको मिले तो मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन तुरंत ला के दूँ। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू दोस्त।